हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि फैमिली आ चुकी है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखा है वो चैनल में जाके देख सकते हैं, और जिन लोगों ने देखा है और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग उतना ही खुश हैं जितना कि मैं खुश हूँ मेरी फैमिली आने से। तो सबसे पहले तो परी ने ये देखा, उसको टेंट हाउस चाहिए था इंडिया से, तो वो बहुत खुश हो रही है और बता रही है कि देखो टेंट हाउस आ गया है। तो उसको बहुत अच्छा लगा, और ये सरप्राइज़ था जो कि मैंने उसके लिए रखा था कि सामने एंटर करते ही पहले सबसे पहले उसको वही दिखेगा, और वही दिखा, जो कि वो काफ़ी खुश हो गई। और उसने बोला कि बस अब मैं जाके खेल रही हूँ। और घर आते ही सब लोगों ने पहले अपने शूज़ उतारे और अपनी जो है जैकेट उतार के सबसे पहले घर का मुआयना किया कि घर कैसा है, क्या उनसे चीज़ें कहाँ पर है। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। और सबसे बड़ी बात, मतलब सब थोड़ा सा थके हुए भी थे, तो मैं सोचा मतलब ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया आज के लिए, बस जो कुछ एक मेन मेन चीज़ें थी वो शूट किया है। तो बस उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले इनका जो वेलकम केक है हम लोगों ने वो कट किया था, और काफ़ी हैप्पी थे। मतलब 2 ढाई महीने हो गए थे, अगस्त लास्ट में मैं आई थी और ये लोग नवंबर 4 को आए हैं, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का, सितंबर अक्टूबर 2.5 मंथ्स का जो है डिफरेंस हो गया था। तो बस यही था कि फटाफट से, क्योंकि और फिर फ्लाइट भी काफ़ी लंबी थी तो थक गए थे, तो बस ये था कि फटाफट से कर ले, और भूख लगी हुई थी तो मैंने बोला नहीं पहले केक कट कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि खाना वगैरह तो रेडी था ही, खाने में सब रेडी करके गई थी, बस रोटियां बनानी थी तो वो गरम गरम फिर मैंने रोटियां बना दी, उससे पहले केक कट किया। और बातें इतनी सारी थी कि मतलब खाने के लिए तो ऐसा ही लग रहा था कि खाना बाद में हो जाएगा, पहले बातें करें, मुझे इन लोगों के साथ शेयर करनी थी, इनको करनी थी, तो वो सब चीज़ें थी। और इसलिए मैंने मतलब जो है ना अपने जो शिफ्ट है वो पहले ही लगा ली थी ताकि मैं जो है ना टाइम स्पेंड कर सकूँ। और परे की खुशी तो आप देख ही रहे हो ना, और सही बताऊँ ना तो 2 ढाई महीने ने परी को काफ़ी समझदार बना दिया है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने भी नहीं सीखी हैं, और इनके लिए भी नया था, मतलब इतना मैं कभी दूर रही नहीं, तो थोड़ा सा इमोशनली मतलब लग रहा है। तो मतलब वो होता है कि अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो भी मतलब वो जो फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे, वो अभी भी आ रहे इस वीडियो को देख करके तो बस उसके बाद हम लोगों ने मिलके खाना खाया, एक साथ मैंने खाना बना लिया था और सब ने जो है ना मिलके एक साथ इंजॉय किया। इन्होंने वही बोला कि आप भी मतलब बना के रख लो और फिर सब इकट्ठा खाएंगे, तो इस प्यारे से व्यू के साथ जो कि हमारी बेडरूम की विंडो से आ रहा था, तो हम सब लोगों ने यहीं बैठ करके इंजॉय किया, क्योंकि बाहर अभी ना लिविंग रूम में कारपेट वगैरह आया कुछ भी ऐसा नहीं है बैठने का, तो नीचे बैठने में दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने यहीं पर कर लिया। धीरे धीरे सेटअप होगा, उसके बाद देखते हैं कैसा क्या रहेगा। और इसके बाद बस इन लोगों को इतनी नींद आई हुई थी ना कि सो गए थे सब, और मैं भी इनके साथ सो गई थी, क्योंकि पहले वाली रात को तो सो ही नहीं पाई थी, तो ये वाला हाल है रात को कुछ एक चीज़ें थी जो हम लोगों ने निकाल ली थी, और कुछ चीज़ें थी जो अभी बैग अनपैक होने हैं, बट मैं सोचा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि सबको कपड़े वगैरह भी चेंज करने थे, और हम खाना खा के 2-3 घंटे सो गए थे, फिर बच्चे तो अभी भी सो रहे हैं रात को, मतलब मैं और विनोद ही उठे थे, बच्चे सो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक सब उठते हैं तब तक अपना जो काम है ना वो निपटा लेते हैं थोड़ा सा, तो अनपैकिंग का बहुत रहता है। और इन लोगों का मतलब जो जेट लैग है ना वो काफ़ी था, तो कई दिन में जा कर के सेट हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, मतलब क्योंकि बच्चे हैं तो हम उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं कि मत सो, तो वो थोड़ा सा कई दिन में जाके सेट हुआ रूटीन। और ये वो सारी मिठाइयाँ जो मैंने मंगवाई थी, ये वो सारी नहीं है जो मैंने मंगवाई थी, ये कुछ कम है उसमें से बट ये सारी मिठाइयाँ मैंने बोला था कि ये ले करके आने हैं, बट वज़न जो है ना बैग का जो वेट था वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो कुछ एक नहीं ला पाए। और ये मैंने ना कुछ गिफ्ट मंगवाए थे जो जिन कंसल्टेंट के थ्रू मैंने अपना
वीज़ा प्रोसेस करवाया था उनके लिए, और नीरव प्रियंका के लिए भी मंगवाए थे मैंने, तो वो तब आ नहीं पाए थे, तो ये लोग लेकर के आए हैं। और कुछ फ्रिज मैग्नेट जो हमारे फेवरेट थे ना, वो भी लेकर के आए हैं। और ये है जितेंद्र सर, उनकी फैमिली के साथ में मैंने उनका ने जो फ्रिज मैग्नेट है वो बनवाया था। और ये है नीरव एंड प्रियंका का, तो जो मुझे जिसकी जो अच्छी अच्छी तस्वीरें लगी जो मिली ना, मैंने उसी हिसाब से बनवा दिए। और ये है पापा का तो मिस यू, यस, ये मैंने फ्रिज पे लगा दिया है। एंड यस, बड़े वाले भी पिक्चर है, बट उसको खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, तो वो रखी हुई है। और ये फ्रिज मैग्नेट जो हमारे थे, जो विनोद को थोड़ी सी जिनकी कंडीशन सही लगी वो ले आए थे, और मैंने फिर सेम अपने इसी फ्रिज पे इन सबको भी लगा दिया। तो अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा लग रहा है मेरा पुराने वाला फ्रिज है ये। तो बस उसके बाद थोड़ा सा हमने लोगों ने जो मतलब खाना वाना खाया था वो किचन को थोड़ा सा साफ वाफ किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए चले गए थे शॉपिंग पे। उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल मतलब फ्रूट्स लेने थे मेनली, क्योंकि मैं चाहती थी वो खुद जा करके लेकर के आए अपने अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ मैं ला करके रख सकती थी, बट मुझे था कि उनको भी थोड़ा सा घूमने को मिलेगा और अपनी पसंद से भी ले लेंगे, तो इसलिए मैं फ्रूट वगैरह नहीं लेके आई थी। तो नेक्स्ट डे हम लोग आए थे, क्योंकि उस दिन तो बिल्कुल था ही नहीं कि मतलब कुछ ऐसा बना ही नहीं, तो नेक्स्ट डे का ही फिर बना, क्योंकि खाना वाना खाया, सो गए, उठे तो फिर काम वाम किया, और बच्चे तो सो ही रहे थे, तो बस थोड़ा सा यही था। और इन लोगों को आगरे काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ आकर के विनोद समझ रहे हैं कि रेट किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अपने वहाँ तो केजी में रहता है और यहाँ पे एलबी में रहता है, तो वो समझ रहे, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी नहीं समझा, जो चीज़ चाहिए अच्छा ठीक है वो लेनी है इतनी सी तो ले लिया अपने, मैंने कभी रेट का ऐसे नहीं किया। बट विनोद देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ का क्या रेट है और कैसे हैं, तो वो अपना पूरा आराम से टाइम लेकर के उन्होंने समझा, फिर मुझे भी समझाया कि ये ऐसे ऐसे हैं। तो अभी देखो उनकी बात सुनो, वो मुझे समझा रहे हैं। अच्छा किसी ने हिंदी नहीं आती तो बड़ा मजा लेते हैं, देखो 240 रुपये का एक आम है। तो अभी थोड़ा थोड़ा मुझे भी समझ में आने लगा, क्योंकि जब ध्यान देते ना चीज़ों पे तभी तो करेंगे ना, तो मैं भी अभी समझना स्टार्ट किया है। बट हाँ, विनोद तो फर्स्ट डे से ही मतलब उसको थोड़ा सा रहता है कैलकुलेशन का, तो अपना वो कर रहे थे, तो चलो ठीक है। और बहुत टाइम लगा करके हम आए थे उस दिन, मतलब पूरा जो हमने ना एक्सप्लोर किया था सेवन फूड को, तो अच्छा लगा। और हाँ, सेवन फूड में पता क्या रहता है, अगर आप किड्स को जैसे कि किड्स साथ में जाते हैं ना, तो उनके लिए फ्रूट होता है, वो वहाँ पे फ्री में फ्रूट खा लेते हैं, मतलब एक दो बास्केट में रखे रहते हैं और वहाँ पे लिखा होता है कि फ्री फॉर चिल्ड्रन, तो वहाँ से लेके बच्चे खा सकते हैं। ये मुझे अभी पता चला आज ही जब मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब हम लोगों ने ध्यान दिया था वहाँ पर कि ये सब चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ का विनोद बता रहे कि देखिए ये इतने में मिल रही है, इतने में मिल रहा है, टिपिकली वही होता है जो हर हर कोई मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ इंडियन ही नहीं, हर कोई जब दूसरी कंट्री से यहाँ पे आता है तो हम कंपेयर तो करते ही ना कि इसका रेट इतना, अपने वहाँ पे तो इतना है और यहाँ पे इतना महंगा मिल रहा है। बट यहाँ पे विनोद मुझे समझा रहे कि रेट किस हिसाब से होता है। और भाई मैं ना सोच ही रही थी, मतलब इससे पहले जब मैंने इन लोगों के लिए खीर बनाई ना, तो मेरे को था यार ड्राई फ्रूट कहाँ से लूँगी, तो मेरे पास जो भी था मैंने उसी से अरेंज करा करके कर दिया था। और ये सेवन फूड में सारे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, ये मुझे अब पता चला जब मैं इन लोगों के साथ गई थी। और मैं पहले दिन परेशान हो रही थी कि मेरे पास किशमिश तो है ही नहीं, तो मेरे पास जो जो ब्लैक वाली होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, किशमिश नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं, मुनक्का, ब्लैक वाली शायद से, तो वो वाली जो थी ना, वो मैंने डाल के जो खीर है वो बनाई थी। बट यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही है, और सारी दालें मिल रही है, छोले, राजमा, आपको डिफरेंट टाइप के क्या बोलते हैं ये राइस मिल रहे हैं, तो पूरा ये भरा हुआ है। तो सेवन फूड पे आपको जो चाहिए ना वो यहाँ पे मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। आपको चने, आपके जो हम चने खाते हैं वो, और भाई कैंडीज़ के तो इतनी सारी वैरायटी है ना यहाँ पर, मतलब मस्त। ये मैंने पहले एक्सप्लोर नहीं किया था, इन लोगों के साथ गई तभी देखा। तो आप सेवन फूड को ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ कहीं पे नहीं मिल रही है तो। और उसके बाद हम गए थे डोलारामा में भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो चाहिए थी, कुछ एक चीज़ें थी जो मैंने पेंडिंग रखी हुई थी कि विनोद आएंगे उनके साथ ही लेकर के आऊँगी, तो अब सब आ गए हैं। तो जैसे बॉक्स वगैरह चाहिए हैं, कंटेनर वगैरह, और हैंगर थे उनकी भी रिक्वायरमेंट थी, कुछ तो ये लोग लेकर के आए थे, और जो हमें बाकी लगा कि हमें कितने की रिक्वायरमेंट हुई वो फिर हम डोलारामा से लेकर के आए, काफ़ी सारा जो सामान है वो आया था। तो इन लोगों का ही मैं वेट कर रही थी,
तो नेक्स्ट डे जाकर के हम जो बेसिक सी चीज़ें हमें अभी स्टार्ट करने के लिए एज ए फैमिली जो चाहिए थी वो ले लिया था। तो पहले दिन ही विनोद का जो है ना एक्सपीरियंस मैंने शॉपिंग के साथ करवाया। 2 महीने से इंडिया में थे, 2.5-3 महीने से बिना मेरे शॉपिंग नहीं की होगी ना मेरे साथ, तो मैं सोचा एक्सपीरियंस को क्यों मिस करने दे दोबारा से एक्सपीरियंस करवाते हैं। तो बस उसके बाद फिर हम लोग आ करके और जो अपने सूटकेस थे उनको अनपैक किया मैंने अपने, मोस्टली तो नहीं, कुछ एक जो इंडियन वेयर थे मैं छोड़ करके आई थी वो सब मंगवा लिए थे, कुछ गर्मियों के कपड़े थे वो भी मैं छोड़ के थे, तो वो सब ये लेकर के आए थे लोग। तो बस इस काम को करने में हमें 2 दिन लग गए थे इनका अनपैक करने में, सब चीज़ों को सेट करने में। तो 2 दिन तो कहाँ गए पता ही नहीं चला, 2 दिन तो घर की हालत मतलब ऐसे वाली ही थी, थोड़ा धीरे धीरे भी कर रहे थे क्योंकि इन लोगों का जो स्केड्यूल था ना वो चेंज हो रखा था नींद का। हाँ दिखा रखा, तो फ्रेंड्स पूरा हाल देख चुके हैं। तो पहले का जो हाल था किचन का, तो ऑलमोस्ट हमारा किचन जो है वो सेट हो गया है। इसको मैं दिखाऊंगी आफ्टर क्लीनिंग, कल क्लीनिंग वाले आएंगे तो उसके बाद घर का टूर दिखाऊंगी। और ऑलमोस्ट जो घर है वो हम लोगों ने मतलब जो है जहाँ पे सेट होनी थी चीज़ें वो थोड़ी बहुत कर दी है, और बस अब थोड़ा सा यहाँ पर बचा हुआ है पर के कपड़े बचे हुए लगाने के लिए, मेन तो पर के कपड़े बचे हैं। और हाँ ये सब परी का है, ये अभी हो जाएगा 1/2 घंटे में, तो मतलब 1 घंटे में हमारा काम हो जाएगा फिनिश। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कि विनोद कर रहे हैं, जुगाड़। इंडियन को जिस जुगाड़ की जरूरत होती है, कल ये शॉपिंग करके लाए हैं, प्लस प्लस तो नहीं है पर प्लस जैसा ही है, जो भी है अपना काम इससे हो जाएगा। तो हम जा रहे हैं, तो 2 महीने से रखे हुए जड़ स्प्रे मनीषा ने लाके, बेचारे शायद मेरा इंतजार कर रहे थे, इनको इंस्टॉल करना नहीं आया, प्लम्बर बुलाया था प्लम्बर को भी इंस्टॉल करना नहीं आया, मना कर दिया, ये नहीं लगेगा, अभी देखते हैं क्या होगा, विनोद विनोद करेंगे इसको इंस्टॉल। चलो चलो थोड़ा सा और दिखाती हूँ मैं। तो ये जेट स्प्रे विनोद ने लगा दिए हैं दोनों ही वॉशरूम में, तो यहाँ पे इवन मतलब एक प्लम्बर आया था उसने मना कर दिया था कि नहीं लगेगा, तो बाहर वाले वॉशरूम में तो आराम से लग गया था, अंदर वाले में तो स्पेस नहीं था, बट फिर भी वो इजीली कनेक्ट कर दिया था विनोद ने, मतलब इजीली तो नहीं थोड़ा सा मुश्किल हुआ उसको बट लेकिन कनेक्ट हो गया था। और जो प्लम्बर आया था ना उसने बोला कि नहीं ये वाला नहीं लगेगा आप इसको वापस करो, दूसरा वाला उसने मुझे बताया था एक महंगे वाला, वो आई थिंक $80 के आसपास का था, कि वो लेकर के आप आना वो लग जाएगा यहाँ पर। तो देखो इसमें स्पेस नहीं है बट विनोद ने फिर भी बहुत अच्छे से फिट कर दिया, एक बुकलेट के साथ ये आता है उसमें पढ़ करके आप जो है ना इसको ईजिली फिट कर सकते हो। और यहाँ पे रिटर्न करना इतना इजी नहीं होता है, आप अमेज़ोन से कोई चीज़ मंगवाते हो तो यहाँ पे एक सेंटर होता है आपका, वहाँ पे आपको जाकर के अपने जो है ना रिटर्न देना पड़ता है, उसको कोरियर करवाना पड़ता है, तो दिक्कत रहती है बहुत। तो ये भी एक हेडेक हो गया था कि यार इसको फिर से वापस करना पड़ेगा और फिर दूसरा मंगवाना पड़ेगा वो भी महंगे वाला, क्योंकि ये तो शायद $40 के आसपास आया था मुझे ध्यान नहीं है तो, लेकिन ये इजीली मिल भी जाता है और इजीली लग भी जाता है, इसके साथ जो बुकलेट आते हैं ना उसकी हेल्प से आप इसको लगा सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप परेशान हो रहे हो इंडिया से आए हो और सोच रहे हो कैसे चलेगा, तो बहुत इजी रहता है यार ये चीज़ें, आप आराम से अमेज़ोन से ले सकते हो या किसी हार्डवेयर स्टोर से ले सकते हो और आराम से इसको अपना लगा सकते हो। तो ये थे हमारे 3 दिन फैमिली के आने के बाद, उम्मीद करते हो कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।